वर्मा भूषण भंडार से 10,000 की सोने या चांदी की खरीद पर दिया जाएगा एक लकी कूपन। कूपन द्वारा लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे आकर्षक इनाम, एक ऑल्टो कार, 3 फ्रिज, 3 LED, 3 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। ऑफर 3 अक्टूबर से 12 जनवरी तक चलेगी, उसके बाद निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वीडियो को शेयर करके स्क्रीनशॉट 9816566681 पर भेज कर पाए एक लकी कूपन, जिसमें मिलेंगे चांदी के सिक्के। वर्मा भूषण भंडार, आए और उपहार का आनंद पाए। हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में गुटखे और शराब के इश्तिहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिमला में हुई डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में HRTC की BOD में यह फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों की सब्जी और दूध को बसे में ले जाने की निशुल्क सुविधा देने का भी BOD में निर्णय लिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC के 3,000 केस अदालतों में चल रहे हैं, जिसके लिए वकीलों को HRTC फीस देता है, लेकिन कई केस HRTC हार चुका है। ऐसे में BOD ने फैसला लिया है कि वकीलों का केस की जीत या हार का स्टेटस BOD में रखा जाएगा, ताकि उस हिसाब से आगामी निर्णय हो सके। इसके अलावा HRTC पुरानी हो चुकी 1,000 के आसपास बसों को बदलने जा रहा है, जिसमें 327 इलेक्ट्रिकल बसें, कुछ डीजल बसें और कुछ मिनी बस टेम्पो ट्रेवलर लेने जा रही है। देश का एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो कि प्रदेश के लोगों की सेवा में 50 साल से लगा हुआ है, और ठीक है फ्लीट है, फ्लीट चेंज भी करना पड़ रहा है। फ्लीट का बसों के अगर हम टेंडर इस ढंग से कर देंगे तब भी आप हमारी खबर छाप देंगे। तब अब हम जैसे हमने आज वॉल्वो रद्द किया टेंडर, तो हम 2 महीने लेट हो जाएंगे कम से कम। अब दिल्ली वालों ने हमारी बसें रोक दी क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप ये जो आपके पास BS4 बसेज हैं, ये आप ये नहीं भेजेंगे। तो हम हमारी कम से कम 16 बसेज जो हैं दिल्ली के रूट पे रुक गई। तो हमें बसेज खरीदनी है, तो बसेज खरीदने का प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। प्राइवेट की तरह तो है नहीं कि गए और जाके आप बस खरीद के आ गए। यहाँ तो पूरा बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा और टेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ा प्रक्रिया हम चाहते हैं कि पूरी तरह उनको अपनाया जाए। एक हमने फैसला किया है कि ये जो शिमला का बस अड्डा है, शिमला के बस अड्डे का मसला हम प्रदेश मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, क्योंकि जो इसका संचालन कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे 82 करोड़ रुपया दो और मैं इस डील से निकलना चाहता हूँ। अब उनके कहने से तो होगा नहीं कि किसी के दिन में कभी भी कुछ ख्याल आ जाए। तो आपने प्रोजेक्ट लिया तो वो अब उसकी सारी डिटेल कब कब क्या क्या हुआ सारा हमने बोर्ड ने डायरेक्ट किया है MD साहब को कि ये सारा डिटेल कैसे ये खरीद हुई, कैसे ये आगे बढ़ी। 17 साल के लिए लिया था, 15 साल के लिए चला गया, 51 ईयर के लिए चला गया। तो हमने इनको कहा है कि आप ये सारा डिटेल मसौदा जो है मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखें। दूसरा जो है ये मैक्लोडगंज और कांगड़ा का जो बस अड्डा है, इसमें आर्बिट्रेशन का अवार्ड हमारे खिलाफ आया है। उन्होंने कहा कि इन 25 करोड़ रुपया जमा करवाओ, अगर उनको देना तब भी, अगर आगे अपील में जाना है तब कोर्ट में जमा कराओ 25 करोड़ रुपया। हमने इनको कहा है कि ये भी जो है मसला पूरा डिटेल में, क्योंकि यहाँ तो इनके पास तो इतना पैसा है नहीं है उस मनी की ये जमा करवा पाए। तो हमने ये कहा कि ये मसला भी आप प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष रखें कि किस ढंग से ये अवार्ड आया है। दूसरा एक हमने इन डायरेक्शंस दिए हैं ट्रांसपोर्ट खास विशेष तौर पे HRTC को, लगातार केस हारते जा रहे हैं।
और जो पैनलिस्ट हैं, वकीलों के पैनल हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है, मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है, कितने केसेस जो हुए हैं, कितना कितना हमने दिया है, वो भी जो है आप बोर्ड के समक्ष रखें। मतलब कि इतने भारी अवार्ड्स जो हैं, और हमारे 3,000 के आसपास केस, यस सर, 3,000 के आसपास केस हाई अदालतों कोर्ट में में, हाई चल रहे कोर्ट हैं, अदालतों में चल रहे हैं, और उनका हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो देर शुड बी सम सिस्टम की जहाँ पे पता लगे। हमने इनको कहा है कि जब भी आप कोई केस हारते हो या कब जो भी केस आप जीतते हो, उसकी रिपोर्ट आप जो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। यस सर। कोई अवार्ड आपके खिलाफ आया है, आप वो जो है सूचित करेंगे। अब 25 करोड़ का अवार्ड आपके खिलाफ था, और उसकी समय सीमा होती है, 60 दिन के अंदर जमा कराना है, 90 दिन के अंदर जमा कराना है, तो इसलिए उस पे भी कुछ डिस्कशंस हुई हैं, डेलिब्रेशंस हुई हैं आज मुकेश के। जी, ये जो हाल ही में पर्यटन निगम के घाटे के चलने, नहीं, हमने तो देखिए इससे पहले ही एचआरटीसी ने फैसला ले लिया था। कोर्ट का फैसला तो बाद में टूरिज्म के बाद में परिप्रेक्ष्य में आया आया है, हमने पहले फैसला ले लिया है कि हमने कोई भी बस हमारी बुक करवाता है, चाहे वो सरकार है या वो प्राइवेट है, 50% तो उसको भुगतान पहले देना पड़ेगा। 50% भुगतान का फार्मूला हमने पहले ही तय कर दिया था। ऐसा तो आपको भी लगता होगा कि एचआरटीसी में लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, डेलीगेशंस हो रही हैं, और हम उस जगह इसको ले जाना चाह रहे हैं जो कि जनता की सेवा, जनता की सेवा तो है ही है। जब वी आर लिविंग इन अ पॉलिटिकल सेटअप, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के साथ साथ हमारे जो, आपको मैं बताऊं कि हमारा 45 करोड़ रुपया एचआरटीसी तनख्वाहों पे खर्चती है, पेंशन पे 23 सर, और लगभग 23-24 करोड़ रुपया हम पेंशन पे खर्चते हैं, और उसके बाद हम 8-9 करोड़ रुपया जो है टायरों पे खर्चते हैं, 45 करोड़ रुपया हम डीजल पे खर्चते हैं, और हम उसके बाद जो है पुर्जों पे खर्चते हैं 5-6 करोड़ रुपया, सर किस्तें भी हैं लोन और फिर की, जो हमने आधार हमने जो गाड़ियां खरीदी हैं उसकी हम किस्तें भी देते हैं, 3-4 करोड़ रुपया बैंकों का रिटर्न भी करते हैं। तो हमारे ये नहीं है कि हमारे खर्चों को आप सीधे सीधे आंकों के ये, और फिर आप देख लो कि हमने कभी लंबे अरसे से किराए नहीं बढ़ाए हैं, और लेकिन जो विजिबल खर्चे हैं, वेतन, पेंशन एंड डीजल के, और हम बिल्कुल डिफॉल्ट में नहीं हैं, हम तनख्वाह समय पे दे रहे हैं। कोई एक कर्मचारी नहीं कह सकता कि हमने उसकी तनख्वाह नहीं दी, हम पेंशन बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, अपवाद हो सकता है, 1 महीने में कोई 2-4-10 दिन आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आज दिन तक की पेंशन हमने सबको दी है। अभी हमने इनके साथ कार्यक्रम किया था, तो हमने ये फैसला किया कि ओवर टाइम अलाउंस जो है इनका, जो 55 महीने का पेंडिंग है, वो 100 करोड़ रुपया देने को है, तो उसमें से हमने कहा था कि दिसंबर तक आपको 50 करोड़ देंगे, मार्च तक वो सीएम की कमिटमेंट भी है, मंच पे घोषणा भी की है, तो 100 करोड़ रुपया हम इनको देने जा रहे हैं, और 9 करोड़ रुपए के आसपास जो है इनके जो मेडिकल के भत्ते वगैरह हैं। एक फैसला हमने आज और किया है, जो यहाँ पे क्या है कि जैसे जब कोई कर्मचारी के घर में शादी है या किसी के क्रॉनिकल पेशेंट है, उसमें क्या है कि जिसकी चलती है वो पैसा ले लेता है, जिनकी अफसरों के साथ अच्छा रिलेशन है वो 7 करोड़ 7 लाख ले लेगा, 10 लाख ले लेगा, 8 लाख ले लेगा। हमने उस पे चेक लगा दिया आज, हमने कहा कि आपको 2 लाख रुपया देना है, लेकिन सबको देना है, आपके पास डिस्क्रिशन हमने ख़त्म कर दी कि आप जो है किसी को अफसर अफसर से मिले कि 7 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल तो वो हमने एमडी को 2 लाख की पावर दी है कि आप 2 लाख से ऊपर किसी का भी जो है,
हरियर से नहीं दे सकते, नहीं नहीं सैंक्शन करेंगे, 2 लाख तक ही सैंक्शन करेंगे ताकि बाकियों को भी मिल सके। नहीं तो ये हो रहा है कि 5-7 लोग जो हैं वो ले जा रहे हैं और बाकी सब लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं। सर हमारा एक छोटा सा सजेशन है, मुकेश जी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए डेली महिलाओं को जो रिबेट दे रहे हैं उस पर जा रहा है तो घाटा भी बढ़ रहा है एचआरटीसी का। फिर मैंने शर्मा जी आपको बताया कि जैसे हमने 66 करोड़ रुपया कमाया तो अब आप कहेंगे कि आपने डाला कहाँ, तो अब ये है कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, हमें जो है फाइनेंस कमीशन के अवार्ड लागू करने पड़ रहे हैं, कोर्ट के अवार्ड्स लागू कर रहे हैं, पेंशन बढ़ रही है, हमारे 7,000 पेंशनर हो गए हैं और अभी हमने पेंशन को लेके भी आज इनसे कहा है कि 150 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन शुरू करनी है, तो शुरू करने में इनको जो दिखते हैं तो हमने इनको कहा कि उनके साथ आप नेगोशिएट करो ताकि कम से कम एक न्यूनतम तनख्वाह पेंशन तो उनके घर में पहुंचे, तो उनके साथ बातचीत करके डायलॉग करके यूनियन से बात करके या अलग अलग लोगों से बात करके जो है आप उनको देने की स्थिति में तो हो, नहीं तो डायलॉग नहीं होगा तो उसमें दिखते हैं। तो इसलिए खर्चे भी बढ़ रहे, महंगाई भी का इंडेक्स भी है, तो ये दूसरा ये है कि जो हमें सरकार से पैसा आता है उसमें भी तो कटौती होती है ना कि आपने ज़्यादा कमा लिया तो हमारे को उसमें कटौती हो जाती है, लेकिन कुल मिला के हमारी कोशिश है कि एचआरटीसी से लोग प्यार करते हैं, एचआरटीसी को लोग अपनी बस मानते हैं, अपना उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता है, तो इसको किस ढंग से हम जनता के दिलों में बसा के रखें और किस ढंग से हम सर्विसेज दे रखें, हम जनता के लिए हैं और उस हिसाब से हम फैसले ले रहे हैं। मुकेश जी आपने जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का अगर सेक्टर है तो वो सिर्फ बस ही है, रेल नेटवर्क नहीं है, दूसरे साधन में आगे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के फूल उत्पादक कुछ कमेटीज़ बनाई हैं क्योंकि हमारे कई जगह दो दो बस अड्डे हो गए हैं, उन बस जैसे बैजनाथ में अब एक ओल्ड बस अड्डा है और एक पार्किंग कम कमर्शियल कम्प्लेक्स है जो वहाँ बनने जा रहा है, तो हम अपनी टीम्स को भेज रहे हैं कि हमें उनको कैसे संचालित करना है। पालमपुर की पार्किंग बननी है, उस पार्किंग को हम टूरिज्म को सौंप रहे हैं इस कंडीशन के साथ कि जो उसके आगे जो लोकल लोग काम करते हैं उनको जो है डिसलॉज ना किया जाए, लेकिन पालमपुर की पार्किंग और चंबा की पार्किंग के लिए जो है 13 करोड़ रुपया लगेगा और उस पार्किंग को हम बनाने जा रहे हैं, और सरका घाट में भी लगभग 2 बस अड्डे हो गए हैं, सरका घाट ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड जो है बरछवाड़, ये जो है यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी हम कमेटी भेज रहे हैं और नए बस अड्डे में का संचालन शुरू हो सके वो हम शुरू करने जा रहे हैं, और हम ऊना का जो ओल्ड बस अड्डा है इसको पीपीपी मोड में जो है कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, पहले भी वहाँ पे बस अड्डा भी उसी तरह बना था तो जो पुराना बस अड्डा खाली हुआ है उसको भी हम निर्मित करने जा रहे हैं, और मंडी भराड़ी बिलासपुर जो है वहाँ पे हम बस स्टैंड और साथ में मॉल टाइप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वो लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है तो टर्न पे है दोनों के नदी के दोनों तरफ जो है बीच में हमारा ये प्लॉट है, ज़मीन है हमारी, तो उसको हम निर्मित करने जा रहे हैं, तो ये कोशिश है हमारी कि नए बस अड्डों का जो है काम शुरू हो सके, और
हमारे 40 के आसपास बस अड्डे ऐसे हैं जिन्हें जो समय समय पे सैंक्शन होते रहे, और अब हमने एमडी साहब से कहा है कि किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 25 लाख, इस ढंग से पैसे इनको हमने कहा है कि हम एक्चुअल कौन से बस अड्डे बना सकते हैं उसकी सूची जो है ये हमें प्रदान करें ताकि हम उस पर फैसला ले पाए। और ट्रांसपोर्ट का ही नेटवर्क है और इसलिए इस सर्विस को जो है आपको अलग नज़रिए से आंकने की ज़रूरत है और इसका मूल्यांकन अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। एक हमने एमडी साहब से ये है कहा है कि जो इनका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के आसपास का जितना भी एरिया है जहाँ पे बस अड्डे वाला एरिया है या टर्न से लेके दूसरी तरफ तक, वो सारा क्षेत्र जो है ये ब्यूटीफाई करेंगे। वो उतना एरिया जो है दुकानों से शुरू होके दूसरी तरफ तक, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की ब्यूटीफिकेशन, और ताकि वो लगे कि आपने देखा होगा आजकल टनल पे भी काम चल रहा है, टनल के बहुत बुरा हाल था और उसको भी सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वो हेडक्वार्टर हमारा सही तरीके से नज़र आए। तो ये HRTC से जुड़े कुछ मसले हैं। और साथ में हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे ढली और ठियोग के बस अड्डों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ढली का बस अड्डा तैयार कर दिया गया है और हमारा ठियोग का भी हो गया है, किलाड़ का भी तैयार हो गया, पतलीकूल का भी तैयार हो गया है। तो लेकिन हम दो बस अड्डों का बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठियोग बस अड्डे के लिए लगभग 2,18,00,000 रुपए की जो राशि मांगी गई थी उसको हमने प्रावधान कर दिया है ताकि उन बस अड्डों का उद्घाटन हो सके। और इसके अलावा ये जो बस रूट लगभग 148 प्राइवेट को चले गए हैं, जिनमें HRTC ने जो सरेंडर किए थे 107, उनमें से 87 अलॉट हो गए हैं। जनरल रूट्स थे 29, में से 23 चले गए हैं। और 80 सीटर बस रूट जो 72 में से 38, यानी कि 148 पे जो है हमारे फैसला हो गया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कि ये हमने छोड़े हैं। और लेकिन हम तब तक इन रूट्स को चलाएंगे जब तक वहाँ पे ये प्राइवेट ऑपरेटर अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर देंगे। और हम ऊना और हमीरपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। ऊना में HRTC बनाएगी और हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा ताकि जो आने वाले समय में गाड़ियों का पासिंग है ऑटोमेटिक तरीके से, पहले हमने 5 प्राइवेट सेक्टर में भी देने का फैसला किया था, तो ये अब हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये शुरू करेंगे। और ताकि ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर और स्क्रैपिंग यूनिट जो भी लगने हैं नई ज़रूरतों के मुताबिक, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो आज ये हमारी मीटिंग हुई। हमारे बद्दी में बस अड्डा बनना है, भोटा में बनना है, सुजानपुर में बनना है, फतेहपुर में बनना है और नौराधार में बनना है। ये बस अड्डे हम फैसला ले रहे हैं कि क्योंकि हाउसिंग बोर्ड भी हमारे से कह रहे हैं कि वो भी बस अड्डा बनाने की फील्ड में आना चाहता है, तो उनके साथ भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम PWD के साथ भी
बात कर रहे हैं, और हमारा जो अपनी एजेंसी है वो भी बस अड्डे बनाती है, तो ये हम फैसले करेंगे कि कौन सा किसको बनाना है, और ताकि हम इनको गति दे सकें। हमीरपुर में पहले ही हमारा अच्छा बस अड्डा बन रहा है, और हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो है, ये जो 110 करोड़ रुपए के आसपास के, ये सब 96 चार्जिंग पॉइंट्स, 96 चार्जिंग पॉइंट्स, 53 लोकेशंस जो है वो फाइनल हो गई हैं, जहाँ पे ये भी बनेंगे, और साथ में टूरिज्म के कम्प्लेक्स भी कई जगह बन रहे हैं, तो उसका पैसा भी हमारे पास 110 करोड़ रुपया आ गया है। तो फील्ड पे कार्य को गति देने के लिए, कार्यशालाएं बनाने के लिए, बस अड्डे बनाने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए, इसको भी हम गति देने जा रहे हैं। तो ये बात हम आपके समक्ष रखना चाहते थे। ये सर, बस पे कंट्रोल होना चाहिए, एक्सीडेंट्स थोड़े बहुत करते हैं टैक्सी के ड्राइवर लोग। चलो, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन। और हमारे एमडी से तो अब वैसे लोग डरते हैं, चले चले किसी का मोबाइल भी देख लिया वो सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसा हमारी कोशिश है कि हम व्यवस्थाओं को सुधार सके जितना भी कर पाएंगे। हमने कहा है ड्राइवर्स को, बिना बस अड्डे के ब्रेक मत लगाओ, चलते बीच रास्ते में ब्रेक मत लगाओ। लेकिन ये जो छोटे छोटे मसले हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। सर, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो मिनिमम किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स की अपेक्षा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो कम से कम 10-15 इस विषय में सोच रही है कि केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में, ताकि अपने किसानों को राहत दी जा सके। ये जो फूल ले जाने का आपने तो लगा दिया है कि टिकट इसका होगा, तो क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसी डिमांड पर्वतीय राज्यों के लिए क्या आपकी सरकार सोचने का विचार रखती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी लगभग 22-23 करोड़ रुपए की सब्सिडीज देती है, और लेकिन अब स्टेट की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए लगातार जो है किस ढंग से हम उनको रैशनलाइज कर सकते हैं, प्रयास हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल सब्सिडी जो सबसे इम्पोर्टेंट आती थी वो ही नहीं आ रही है, तो हम बाकी सब्सिडीज़ की क्या बात करें। कि लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत बड़ी मात्रा में फूल जो है दिल्ली की मार्केट में जा रहा है, दूसरे स्थानों पे जा रहा है। तो ये जो विविधीकरण हुआ है कि पहले सेब राजा से फूल राजा, फल राजा, वो हमारे लोगों का जो है प्रेजेंटेशन हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस ढंग से लोग बताते हैं कि ये फूल हिमाचल से आया है। किसानों के हक में केंद्र से मिलना चाहिए आपको? नहीं, हम तो देखिए ऐसा है कि केंद्र से तो हम मिलेंगे, और हमारा राइट भी है, और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पार्टी केंद्र में है तो हम लोग जो हैं, हम एज ए गवर्नमेंट जो है केंद्र को मिलेंगे। हमारा जो है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो हमारे राइट्स हैं केंद्र के साथ, हमारे हक हकूकों का मसले हैं, तो हम क्यों नहीं मिलेंगे। मुकेश जी, मैंने कई बार एमडी साहब को भी फ़ोन पे जानकारियां दी हैं, जो हमारी लोकल बसें चल रही हैं, स्कूल या लोकल बसें, तो बहुत ओवर स्पीड चलती हैं। जो सवेरे HRTC की बस बच्चे लेके चलती हैं, ओवर स्पीड चलते हैं, और मतलब बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। दूसरी, बसों में ब्रेक लाइट नहीं जलती हैं, मतलब 80% जो शहर में बसें चल रही हैं उसमें ब्रेक लाइट नहीं जलती है, पार्किंग लाइट नहीं जलती है, इंडिकेटर नहीं देते हैं, पता ही नहीं लगता है, एकदम से ब्रेक मार दिया। उसके अलावा आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं, और हम बार बार आपसे सहयोग भी मांगते हैं, कि HRTC जो है रोज 5 लाख लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पर ले जाती है, और 3200 के आसपास का हमारा इसमें फ्लीट चल रहा है, और 5 लाख लोगों को ले जाते समय हमारे कई साथी लोग जो कहते हैं कि HRTC घाटे में क्यों है, बार बार आप ये प्रेस में भी उठा रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि HRTC को कमर्शियली रन नहीं किया जाता है,
ये वेलफेयर स्टेट में चल रही है, ये वेलफेयर के कंसेप्ट से चल रही है। इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि हम उन सब घाटे के रूटों पे चलते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता है, ताकि हर हिमाचली को उसके गंतव्य स्थल पे छोड़ा जा सके। तो इसलिए हम हर घाटे का रूट चलाते हैं जनता के मदद के रूप में। और दूसरा जो है, हम रियायती सफ़र भी करवाते हैं। जैसे हम महिलाओं को 50% सफ़र रियायत में देते हैं, 50% उनका किराया लगता है, 50% वो लगता है। ऐसी 28 तरह की सेवाएं हैं जो हम चलाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि HRTC घाटे में क्यों है और बार बार इस बात को उठाया जाना, कि तो उसके मुख्य कारण है कि हम घाटे के रूट करते हैं, हम रियायती सफ़र कराते हैं। आपकी सूचना के लिए, एक दिन का महिलाओं का जो रियायती सफ़र है उस पर 50 लाख रुपया जो है लग रहा है, 50 लाख रुपया हमारा जो है टिकट से कटौती हो रही है। तो ये सारे आंकड़े जो है, क्योंकि हमने अब ज़ीरो टिकटिंग की व्यवस्था भी की है, तो उससे ये सारी बात सामने आ रही है। और थर्डली जो है, हम अपने कर्मचारियों के प्रति वचनबद्ध हैं, अपने स्टाफ के प्रति हमारी कमिटमेंट है। और हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है तनख्वाहें देते हैं और पेंशन देते हैं और महंगाई भत्ता देते हैं, जो कि प्राइवेट के मुकाबले में कई गुना होता है। इसलिए हमारी तुलना, HRTC की तुलना आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ नहीं कर सकते। इसका कंसेप्ट ही अलग है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हम जनता पे करते हैं वार्षिक। हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का रियायती सफ़र कराने में, घाटे के रूट चलाने में, या जो है ड्यूज देने में, हम 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा करते हैं। इसलिए हमें सरकार से भी जो है अनुदान लेना पड़ता है, और क्योंकि हम सरकार की सेवाओं को चलाते हैं, तो इसलिए ये अनुदान लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर सेवाएं हैं। हिमाचल श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में, और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट, वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप, और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में।